और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, जहां देश विरोधी ताकतों को गृह मंत्री की बड़ी चेतावनी अमित शाह की तरफ से कहा गया। जिनके हाथ में हथियार हैं उनसे सख्ती से निपट रहे हैं। आतंकवाद को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत ये बड़ा बयान। कश्मीर से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक हिंसा कम हुई है। सीआईएसएफ के स्थापना दिवस समारोह में गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से ये बड़ा बयान दिया गया। तीनों सेक्टर जो हमारे लिए बहुत चिंता का विषय है, कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट और वामपंथी उग्रवादी प्रभावित क्षेत्र, ये तीनों सेक्टरों में आज हम ये देख रहे हैं कि हिंसा बहुत बड़ी मात्रा में कम होती जा रही है, लोगों का विश्वास बढ़ रहा है और आतंकवाद और अलगाववाद फैलाने वालों की संख्या न केवल कम हो रही है, वो लोग सरेंडर होकर मेन स्ट्रीम में आ भी रहे हैं। परंतु जिनके हाथ में हथियार है उनके सामने कठोरता से काम करने में देश की सीएपीएफ ने बहुत बड़ा योगदान लिया है और अपनी दृढ़ता और वीरता का परिचय भी दिया है। मैं आज पूरे राष्ट्र को यह भी कहना चाहता हूं कि आने वाले समय में भी हमारी सरकार की, मोदी सरकार की जीरो टॉलरेंस टॉवर्ड्स टेररिज्म ये नीति चालू रहेगी। देश के किसी भी क्षेत्र के अंदर अलगाववाद, आतंकवाद और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को कठोरता के साथ निपटा जाएगा और इसमें सीएपीएफ की भूमिका, राज्य पुलिस की भूमिका बहुत अहम है और अब तक 9 साल में हमने कर दिखाया है। हमारे सहयोगी आमोद इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं और आमोद जी, ये बड़ी बातें एक बार फिर से हम देख रहे हैं, जहां आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति की अमित शाह की तरफ से बात कही गई है। निश्चित तौर पर देखिए सुरभि, अमित शाह की बात अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो उन्होंने कहा कि कश्मीर में जहां आतंकवाद कम हुआ है, नॉर्थ ईस्ट में जहां आतंक उग्रवाद कम हुआ है, इसके साथ ही वामपंथी उग्रवाद कम हुआ है, लेकिन उसके अलावा कुछ ताकतें ऐसी हैं जो हथियार लेकर बाजार में आई हैं, तो उनके साथ जीरो टॉलरेंस अख्तियार करेगी केंद्र सरकार और इस पर बिल्कुल फर्म बिलीव है केंद्र सरकार का, उनका ये कहना था। इस आपको समझना होगा कि जिस तरह से पंजाब में लगातार उग्रवाद की घटनाएं हो रही हैं और अमृतपाल के जो एक्टिविटीज हैं और उसके जो समर्थक हैं, जिस तरह से वहां पे एक बार नए ढंग से वहां चरमपंथ को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिस तरह से वहां खालिस्तान की मांग को बढ़ावा दिया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं केंद्र सरकार इस पर बिल्कुल फर्म बिलीव करती है कि इसको चलने नहीं दिया जाएगा और उनसे सख्ती से निपटेगी। गृह मंत्री भले ही कर्नाटक में आज बोल रहे थे, भले ही सीआईएसएफ के कार्यक्रम में वो बोल रहे थे, लेकिन निशाना उनका निश्चित तौर पर पंजाब था और आगे आपने देखा किस तरह से उन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री के साथ घंटों बैठक की, उससे पहले पंजाब के राज्यपाल के साथ घंटों बैठक की और पंजाब में अतिरिक्त अर्धसैनिक बलों की नियुक्ति भी की गई है, वहां लगाया भी गया है। तो ये कुल मिलाकर एक तरह से गृह मंत्री ने आज सीधा सीधा दो टूक शब्दों में एक तरह से उन ताकतों को, पंजाब में उन ताकतों को सीधी चुनौती दी है कि अगर आप नहीं संभलेंगे तो फिर केंद्र सरकार भी अपने जीरो टॉलरेंस की नीति पर आगे बढ़ेगी और किसी भी परिस्थिति के लिए तैयार रहना होगा। शुक्रिया अमोल, शुक्रिया।